आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलने वाली है इस टॉपिक से। ये डायबिटीज हम कैसे गलत वे में ट्रीट करते हैं और कैसे डिफरेंट तरीके के हमें लो शुगर, कभी हाई शुगर, कभी हम इंसुलिन लगा रहे हैं, तो ये तरह के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। क्या हम राइट मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्या हम रॉन्ग कर रहे हैं? तो आइए आज हम डायबिटीज़ के बारे में जानेंगे कि क्या डायबिटीज़ होती है, किस तरह से डायबिटीज़ से हम निजात पा सकते हैं, क्या वो तरीके हैं और कैसे हम अपने लाइफ को, लाइफ स्टाइल्स को चेंज करके या कुछ ऐसे चेंजेस ला के अपने लाइफ में उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में और बहुत ही प्यारे ढंग से सिखाऊंगा। आप इमेजिन करें कि एक शुगर होती है। शुगर हमारे को बहुत जरूरी होती है मसल्स के लिए, मसल्स बिल्डअप के लिए, उसकी एनर्जी के लिए, उसको एनर्जी लेने के लिए, आप ये समझे। और उसके बाद एक होता है पेनक्रियास। वहां पे ना कुछ लोग होते हैं, मुलाजिम होते हैं, बीटा सेल्स कहते हैं जिन्हें। वो उनका काम क्या है, इंसुलिन बना देना। अब वो लोग ऐसे लोग हैं जो कि आप अगर उन्हें सही एनवायरनमेंट दोगे तो वो अपना आराम से काम करेंगे और आपके लिए इंसुलिन बना के देंगे। अब होता क्या है कि वो जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन बना रहे होते हैं, और इधर से जो फूड हम खा रहे होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके शुगर क्रिएट करता है हमारी बॉडी। और अब मसल्स के अंदर वो ऑब्जॉर्ब करने के लिए जो इंसुलिन होती है एक कैरियर का काम करती है कि इसके पास ही ऑथेंटिकेशन है, ये ही इसके पास वो है, आईडी बैच है मसल के अंदर लेके जाने का। तो वो अपना आईडी कार्ड दिखाती है और शुगर को अपने साथ लेके मसल के अंदर चली जाती है, और वहां से मसल्स को और सेल्स को एनर्जी मिलती है। दोस्तों, ये हो गया सिंपल वे में एक जो प्रोसेस है वो चलता है। अब होता क्या है, कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम आती है, कहाँ कहाँ हमें इम्यून रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, कहाँ हम डायबिटीज बन के शिकार हो जाते हैं, फ्लू के शिकार होते हैं, तो आओ चलो इस जर्नी में आपको ले चलता हूँ। अब होता क्या है, कई बार हम स्ट्रेस ले लेते हैं। सबसे बड़े जो प्रॉब्लम आती है हमारे स्ट्रेस की। आजकल लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि स्ट्रेस तो एक नॉर्मल सी एक डे टू डे लाइफ बन गई हमारी। अब स्ट्रेस का काम क्या है, जैसे ही हमारे पास स्ट्रेस आएगा, कोई भी चीज है, चाहे काम का प्रेशर ले लो, चाहे आप घर का ले लो, चाहे आप अपने हेल्थ का ले लो, चाहे आप अपने इनर लाइफ का ले लो, अंदर इनर डायलॉग जो चलते हैं, फोबिया का ले लो, फैटिक का ले लो, ये कई तरह के हमारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी चीज का भी आप स्ट्रेस ले सकते हो। किसी की डेथ का ले सकते हो, सडन डेथ का ले सकते हो, ट्रॉमा का ले सकते हो, एंजाइटी एक्सीडेंट का ले सकते हो, किसी भी चीज का। अगर जैसे ही आपने स्ट्रेस लिया, होता क्या है कि हमारे अंदर कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, वो केमिकल कहते हैं, वो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में रिलीज होता है। अब उसका काम क्या है, वो F3 मोड में हमेशा होता है कि जब भी हमें फायर, फ्लाइट, फियर या फ्रीज का जो काम होता है उसके अंदर ही वो रिलीज होता है दोस्तों। अब जैसे ही हमारे शरीर में कोर्टिसोल रिलीज होएगा तो होता क्या है कि ब्लड शुगर के अंदर एकदम वो कहता है कि ब्लड के अंदर शुगर भेजना बंद कर दो, इंसुलिन बनाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि उसे जो सारी की सारी शुगर चाहिए वो अब चाहिए मसल्स के अंदर, आर्म्स के अंदर, ताकि वो लड़ाई कर सके, किसी से फाइट कर सके। तो कोर्टिसोल ये एक तरह का केमिकल है जो बड़ा ही हमें परेशान भी करता है, और ये डोज केमिकल्स का एंटी है कि ये जो हमारे दोस्त केमिकल होते हैं जो हमारे को हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस रखते हैं, उनका जो वो दुश्मन भी है दोस्तों एक तरह से। अब ये रिलीज कब होता है, जब हमारे को कोई भी उम्मीद ना हो जिंदगी के अंदर, कोई भी हमारे सर्वाइवल एक केमिकल होता है, इसे सर्वाइवल केमिकल भी बोलते हैं हम दोस्तों। अब पेनफुल मेमोरीज हो, हम बार बार अपने पेनफुल मेमोरीज को रिप्ले करे जा रहे हैं अपने दिमाग के अंदर, अपने जीवन, जैसे हमें लगता है कि यार फंसा हुआ है जीवन, जीवन के अंदर ना कुछ वो नहीं है कि मतलब कुछ एनर्जी सी नहीं है। अब स्ट्रेस के अंदर लाइफ है, पेनफुल मेमोरीज हम रिप्ले कर रहे हैं, हम अपने जीवन की एक इस केमिकल्स को रिलीज करे जा रहे करे जा रहे। और ये होगा क्या कि अब इंसुलिन बनाना वो बंद कर देगा दोस्तों, हमारा जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स है। तो ये इसे ही हम जो है फर्स्ट लेवल और डायबिटीज 1 का नाम देते हैं दोस्तों, कि हमारी इंसुलिन बननी बंद हो गई है। अब
जो है हम बाहर से इंजेक्शन लगा रहे हैं वो एक सेपरेट डिबेट है दोस्तों, और हम अपना काम चला रहे हैं, बट हम रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे। अगर हम रूट कॉज पे अगर काम करेंगे तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी शुगर है वो ठीक होने भी शुरू हो जाती है दोस्तों। अब डायबिटीज 2 की तरफ चलते हैं। क्या होता है डायबिटीज 2? अब क्या होता है, बाई चांस आपके बीटा सेल्स बना रहे हैं, क्या कहते हैं, इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, आपके ब्लड के अंदर शुगर भी आ रही है, आपकी मसल्स को शुगर की जरूरत भी है। होता क्या, कोर्टिसोल जैसे ही रिलीज होता है हमारी बॉडी में, एक काम और हो जाता है कि ये मसल्स के अंदर जो एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है इसको, इंसुलिन और शुगर को, तो वो उसको वहां पे भी ब्लॉक कर देता है। रीजन बीइंग कि उसको जो ब्लड शुगर चाहिए वो मसल्स में चाहिए, मतलब अपने आर्म्स में चाहिए, शोल्डर में चाहिए, तो वो हर जगह से उसे कट ऑफ कर देता है दोस्तों। तो अब हमारी बॉडी जो है, हमारी मसल्स जो होती हैं वो इम्यून रेजिस्टेंस हो जाती है, ये भी एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है। तो सेकेंड जो हमारा जो कारण होता है वो होता है ओबेसिटी का दोस्तों। ओबेसिटी मतलब हमारे अपने शरीर को एकदम ऐसा लिथार्जिक बना दिया है और डबल लेयर हो गई है बेली के अंदर, तनाव इतना पाल रखा है, इसके कारण जो है स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ गया है दोस्तों। फिर थर्ड जो कारण होता है वो होता है साइकोलॉजिकल जीन्स। हमारे जो जीन्स होते हैं ना वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको भी रोज रोज स्ट्रेस ले लेके उनको क्या होता है कि आदत पड़ जाती है कि ये न्यू नॉर्मल हो जाता है। वो जीन्स जो है वो आपके स्ट्रेस को कैच करने लग जाते हैं। आप ये सब चीजें बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में भी पढ़ सकते हैं, इपिजेनेटिक्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर हमारा जो शरीर है उसको बार बार स्ट्रेस देने लग जाओगे तो जीन्स के अंदर भी वो सारी के सारी स्ट्रेस लेने की न्यू नॉर्मल बन जाएगा, कि वो स्ट्रेस एक नॉर्मल थिंग बन जाएगी इसके लिए। फिर तीसरा होता है कि सीडेंटिक लाइफ, आराम प्रस्ती की जिंदगी। अब लाइफ के अंदर आप कहते हो कि मैं आराम करूंगा, मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा, मसल्स को आपको, आपकी मसल्स को कभी नहीं पता चलता कि आपकी एज क्या है, आप किसी भी उम्र में अपनी मसल्स को डेवलप कर सकते हैं। ये तो हम ही बताते हैं उन्हें बार बार कि भाई तेरी इतनी एज हो गई है, तू इतने उम्र का हो गया है। उसके बाद होता है दोस्तों पुअर फूड। अगर आप खराब फूड लेते हो, जैसे आजकल जंक फूड बड़ा लेते हैं, अगर चाउमिन ले रहे हैं हम, और अगर हम मैगीज वगैरह ज्यादा खाते हैं, पिज्जा बर्गर, तो क्या होता है कि ये जो फूड है ये फूड नहीं है दोस्तों, ये क्योंकि इनके अंदर 70% जो है पानी जो होता है वो उसकी मात्रा कम होती है इस फूड में। तो अगर जिस भी फूड के अंदर आपके खाने की मात्रा अगर 70% पानी की मात्रा 70% से कम है तो दोस्तों समझो कि वो फूड फूड नहीं हो, कैंसर का एक बनाने का काम है। सिक्स होता है हार्मोनल चेंज। अब हार्मोनल चेंज में क्या होता है दोस्तों कि आपके जो बीटा सेल्स हैं वो इतनी ज्यादा इंसुलिन बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं ये ग्लैंड्स ना, एक तरह से बर्न आउट हो जाते हैं, रोज के रोज इतना सारा काम कर करके उसको क्या होता है कि हम ज्यादा इंसुलिन बना रहे हैं क्योंकि ब्लड के अंदर ज्यादा शुगर आ रही है, तो शुगर ज्यादा आ रही है तो उसके लिए ज्यादा इंसुलिन बनानी पड़ रही है हमारे शरीर को, और ज्यादा इंसुलिन बनाने से बीटा सेल्स जो होते हैं वो बर्न आउट भी फील करने जाते हैं कुछ टाइम बाद, और वो डाई करने लग जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ से फिर हार्मोनल चेंज स्टार्ट होने लग जाता है कि अब इंसुलिन बननी कम होगी क्योंकि बीटा सेल्स मर गए हैं, अब कोई इंसुलिन बनाने वाला है नहीं दोस्तों। अगला जो एक और भी आता है इंफ्लामेटरी, कि अगर हम रोज ऐसे ऐसे फूड्स खा रहे हैं जिससे हमें तले हुए खाने खा रहे हैं और जिससे हमारी इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है हमारी बॉडी के अंदर, ऐसे ऐसे हम विचार रख रहे हैं, थॉट्स रख रहे हैं, मेंटल फूड जिसे कहते हैं, ऐसे थॉट्स रख रहे हैं जिनसे हम रोज रोज एक बर्नआउट की सिचुएशंस में एक कोर्टिसोल रोज रोज रिलीज कर रहे हैं, तो ये भी एक मेजर कारण होता है दोस्तों। अब इसके नुकसान क्या है दोस्तों? अब जैसे ही हमारे शुगर लेवल अप एंड डाउन, स्पाइक अप एंड डाउन, बॉडी के अंदर चेंज और ये सब चेंजेस आते हैं, तो इससे हमारे जो है बीपी जो होता है ना, बीपी, उसकी बीपी बढ़ जाता है, और स्ट्रोक आने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है, हार्ट अटैक आने की, स्ट्रोक आने की, फैटीग, मूड स्विंग हो जाता है दोस्तों लोगों का, कि इंसुलिन और ये सब जब चेंजेस आने लग जाते हैं हमारी बॉडी में
तो हमारे मूड के फैटीग आने लग जाती है, हमारे कुछ करने की भी इच्छा नहीं रहती है। और तो मैं पीकॉस भी होता है, PCOS भी बीमारी आती है, और सारी ब्लड और शुगर के लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, मसल्स के लिए, सेल्स के लिए, सबके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है वैसे। अब क्या करें, अब क्वेश्चन आता है व्हाट शुड वी डू, कि हम इसे कैसे अपने दुनिया से और अपने जिंदगी से बचाए हटाए। अब सबसे पहले आता है कि आपको अपना स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस के अंदर आप देखोगे कि कोर्टिसोल का बहुत बड़ा रोल होता है। बार बार हम F3 मोड में जा रहे हैं, किसी भी तरह हमें इस तरह की सिचुएशन डेवलप करनी है अपनी लाइफ में कि हम F3 मोड में ना जाए दोस्तों। हम कोर्टिसोल को अगर कम करेंगे, स्ट्रेस लेवल अपने आप कम होगा। कोई भी फोबिया है हमारे को, किसी चीज से डर लगता है, या किसी चीज से हम बड़े परेशान होते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को आप हटा सकते हो। अगर आपने एंजाइटी की प्रॉब्लम्स देखनी है तो मेरा एक वीडियो है दूसरा एंजाइटी के बारे में, उन सारी चीजों को आप करोगे तो एंजाइटी भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि फूड, आपको अच्छा फूड खाना है। फूड क्योंकि क्या होता है कि जो भी फूड के अंदर 70% पानी कम है, जैसे बर्गर है, पिज्ज़ा है, इनके अंदर आपको ये कैंसर की तरह काम करते हैं दोस्तों। और इनके अंदर सोडियम, मोनो सोडियम नाइट्रेट वगैरह, ये सारा कुछ ऐसा होता है कि जो बॉडी के अंदर अगर शुगर बढ़ेगी तो ये सब होल्ड करके रखता है पानी को। तो इन सारी चीज़ों से, कहते हैं ना नमक और चीनी को कम कर दो, क्योंकि वो पानी को भी होल्ड करते हैं। जैसे इनकी मात्रा कम करोगे तो आपकी बॉडी से फैट भी बर्न आउट होगा और आप इजी महसूस करने लगोगे। फाइबर रिच फूड खाओ, नट्स खाओ, और फ्रूट्स ले सकते हो आप। अगला आता है कि फास्टिंग। तीसरा सबसे बहुत ही अच्छा मेरे को एक मेथड लगता है कि फास्टिंग। अगर आप अपना लाइफ में रात को 12 आवर्स की फास्टिंग करते हो, और तो क्या होता है कि आपके ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, कुछ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स HGH, ये क्या होता है कि ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। एक दो दिन आपको कमजोरी भी लग सकती है, बट लॉन्ग टर्म में 2-3 दिन के बाद आप ऐसे महसूस करोगे कि आपकी लाइफ बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी चल रही है दोस्तों। उसके बाद आपके जो जोड़ों के दर्द हैं, जो आपके मसल्स के पेन हैं, या कहीं पे भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी देखोगे प्रॉब्लम्स भी खत्म होने स्टार्ट हो गए दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि जो भी सेल्स स्टोर होते हैं ना, डेड पुराने पुराने सेल्स, या जो भी खराब सेल्स कह सकते हैं आप बॉडी से, तो उनको हमारी बॉडी खाने लग जाती है जब भी फास्टिंग करते हैं। तो एक तरह से हमारे को नई चीजें मिलने लग जाती है। कोई भी कबाड़ जो होता है, जैसे घर के अंदर कुछ कबाड़ होता है, डस्टिंग करते हैं तो हम कितनी साफ सफाई होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी साफ सफाई होती है फास्टिंग से। अगला आता है कि दोस्तों की फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत होता है फिजिकल एक्सरसाइज। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी को एक तरह से योगा ब्रीथिंग, योग निद्रा, ये तरह की हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे। मान लो कि आपको किसी भी कोई प्रॉब्लम है, फिर भी एंगजाइटी की प्रॉब्लम होती है, आपको एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताता हूँ। मेरे को ये कहीं से बहुत अच्छा वीडियो मिला था। देखो पहले हम एक सांस लेंगे अपने अच्छी तरह से, उसके बाद फिर दूसरी सांस लेंगे, जितनी सांस ले ली आप उसके साथ एक और ऑक्सीजन दोगे। देखो 3 टाइम आपने सांस ली और 1 टाइम आप रिलीज कर दोगे सारे। अभी से होगा क्या कि आपके ब्लड शुगर में, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी जाएगी, जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, पेनक्रियाज हैं, बीटा सेल्स अच्छे बनाएंगे अगर इंसुलिन की प्रॉब्लम है, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होने स्टार्ट हो जाएगी। ये योग निद्रा है, ये कुछ एक फिजिकल एक्सरसाइज है जो हमें करनी चाहिए रिलैक्स करने के लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, अपने लाइफ को हील, मतलब हीलिंग इंटेलिजेंस होती है हमारी बॉडी में। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम जो है ये सोचे कि हमारी बॉडी अपने आप रिकवर नहीं करती। इसके अंदर भी एक हीलिंग मैकेनिज्म है, इसके अंदर भी अपना एक ब्रेन है दोस्तों। वो ब्रेन को हम जब एक्टिवेट करते हैं, ब्राइट एनवायरनमेंट देते हैं उसको, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ एकदम फिर से स्मूथ ट्रैक पे और एक अच्छी हेल्दी वेल्दी रिच होने स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। अब कुछ चीजें होती हैं जैसे कि हेट एंगर, जो नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, हेट एंगर, फोबिया, रिवेंज। अगर एक दोस्त मिला मुझे और वो बड़ा गुस्से करता था, तो मैंने उसे पूछा यार तेरे को पक्का कुछ ना कुछ शुगर की बीमारी हो सकती है, या एंजाइटी, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। मैंने कहा आपको कैसे पता, मेरे को तो 300 to 400
शुगर जाती है। मैंने कहा यार दोस्त ऐसा होता है कि जब भी हम कोर्टिसोल रिलीज कर रहे हैं स्ट्रेस की, जब रिवेंज की, एंगर की, ये सब भावनाएं रिलीज कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि हमारा जो कोर्टिसोल लेवल तो इंक्रीज हो रहा है, इंसुलिन का बेचारे का ऊपर नीचे हो रहा है, बीटा सेल्स का पता नहीं, उनको कभी कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों ये सब सेल्स वगैरह, तो ये हमारी बॉडी ऑटो इम्यून करने स्टार्ट हो जाती है, इंसुलेट करने स्टार्ट हो जाती है अपने अपने आप को। तो इन सारी चीजों से हमें बचाने के लिए अपने लाइफ को, इन सारी भावनाओं को हटा देना होता है, या तो किसी के दिमाग के अंदर फोबिया पड़ा है तो उसको निकाल दो। कभी भी चीजों से डरोगे तो वो आपके साथ पड़े रहेगा, आप उससे जाओ, उसको देखो, उसको रिलीज करो, उसको चाहे कैसे ही एनएलपी की टेक्निक से आप रिलीज करो, चाहे आप उसको किसी काउंसलर के, थेरेपिस्ट के पास जाकर रिलीज कर सकते हो, मेरी भी दो चार वीडियो देख सकते हो, वो भी आपको रिलीज करा देंगे दोस्तों। आप डिफरेंट तरह की आप लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है उसको रिट्रीट कराते हैं हम, प्रेयर्स करो, उसके बाद हम जो है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि आपने एक बार ये सारे केमिकल्स रिलीज कर दिए कोर्टिसोल और स्ट्रेस के, तो होगा क्या, अब ये आप कहीं जाके ये कहीं ना कहीं जो भी अवेलेबल होगा उसको ये खाएंगे, अब कोई और तो अवेलेबल है नहीं, अब आपका गुस्सा किसी पर चल नहीं रहा है तो वो आपको खुद को ही खाने लग जाएगा दोस्तों। तो आपको इन सारी चीजों से बाहर आना है और इन सारी चीजों को, जो नेगेटिव जो है इमोशन, इनको उठाना है और फेंक देना है, तो आपकी लाइफ एकदम अच्छी स्मूथ हो जाएगी। और हार्मोन्स के लिए हमें क्या करना है कि अपने, क्या होता था कि हमारे पुराने जमाने में योगियों ने चक्रास के बारे में बताया था कि हमारे लाइफ के अंदर चक्रास होते हैं, कुछ मूलाधार, तो उन चक्रास को सीखो वो, क्योंकि वो चक्रास जो होते हैं एनर्जी के चक्रास होते हैं, एनर्जी के चक्रास मतलब वहां से आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं दोस्तों एक तरह से। अगर आप उन चक्रास को प्रॉब्लम करोगे, अगर कहते हैं कि जो हमारा मूलाधार है, जो नीचे के चक्रीनेस की भावना बहुत ज्यादा होगी दोस्तों, तो आप देखोगे कि हमारा मूलाधार जो चक्र है, नीचे के जो ऑर्गन्स है, जो हमारे उनके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाएंगे दोस्तों, वहां पे कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं ना कहीं अगर आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, समझो कि आपके जो हार्मोन्स हैं और आपके जो चक्रास हैं वो हील नहीं हो रहे, या वो सही वे में प्रॉपरली उनके पास एनर्जीज नहीं जा रही है दोस्तों। आपको अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है तो इसके बारे में भी जानो, ताकि आपके हार्मोन्स, आपके ग्लैंड्स, आपके सारा के सारा जो वेलबींग है वो बहुत अच्छी हो और आप अपनी जिंदगी में तरक्की करें, उन्नति करें दोस्तों। यू आर द डायमंड फॉर योर फैमिली, आप अपने फैमिली के लिए डायमंड हो, आपके लव्ड वंस के लिए डायमंड हो, एंड यू आर द बेस्ट पर्सन ऑफ दिस प्लेनेट अर्थ।